नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहां पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26th of March 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या रिजल्ट रिलेटेड वो सभी आपको वहां पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों डेली के साथ साथ अविजन इंस्टीट्यूट लेकर आए आप सभी के लिए वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स। सो सिर्फ करना क्या होगा दोस्तों, आप लोग को विजिट करना होगा अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज AVISION.co.in। जी हाँ बिल्कुल, AVISION.co.in पर जाइए, विजिट करिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाते समय US 20 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा ताकि आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट मिल जाए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एडमिशन पे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। फिच हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू डैश फॉर ईयर 2022। 11.8%, 12.5%, 12.8%, 13%. Here the correct option will be option number C, that is 12.8%. तो दोस्तों यहाँ पर फिच रेटिंग्स के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 12.8% रह सकता है आप लोगों का फाइनेंशियल 2022 के लिए, राइट? फाइनेंशियल ईयर 2022 तक के लिए आपका ये आउटरीच यहाँ पर दिया गया है। पढ़ लेते हैं पूरी डिटेलिंग, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। फिच हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 12.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम द प्रीवियस 11% ऑन द बैक ऑफ द स्ट्रॉन्गर कैरी ओवर इफेक्ट अ लूजर fiscal stance of the better virus containment. The ratings agency is the latest global economic outlook. GEO anticipates the level of country GDP to remain well below its pre-pandemic forecast trajectory. Right? तो यहाँ पर जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि फिच के द्वारा जो इंडिया का GDP यहाँ पर basically estimate किया गया है तो वो कितने percent किया गया है, 12.8% किया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग व्हिच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स इन अ मूव टू बूस्ट द एनिमल हस्बेंड्री एंड द वेटरनरी सेक्टर इन द स्टेट। Even every assembly constituency is the state which will be mobile ambulance veterinary clinic. Basically यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा खोली गई है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक एम्बुलेंस नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की है फॉर द एनिमल्स। बेसिकली यहाँ पर जितने भी आप लोगों के वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे उनके हिसाब से जो क्लिनिक्स चलते हैं उनके लिए एम्बुलेंस, तो एक बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे देखने को यहाँ पर मिला है। अ टोटल ऑफ 175 मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक्स विल बी सेट अप टू प्रोवाइड वेटरनरी फर्स्ट एड सर्विसेज अलॉन्ग विद द स्पॉट डायग्नोसिस एंड अटेंडिंग द इमरजेंसी केसेस, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द Andhra Pradesh government, and it will be soon, so we will see that all the states will going to adopt this type of policies in the future, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। Next चलते हैं question number 3 के ऊपर, और question number 3 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। In which country world's first ship tunnel is going to be constructed? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि विश्व का, दुनिया का सबसे पहला शिप टनल जो होगा वो कौन सी कंट्री, कौन सा आपका ऐसा नेशन है जो कि क्या करने वाला है, कंस्ट्रक्ट करने वाला है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास नॉर्वे, जर्मनी, इटली, फ्रांस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्वे। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड शिप टनल जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना खूबसूरत ये दृश्य होगा।
तो नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट टनल बीइंग बिल्ड बाय एक्सक्लूसिवली फॉर शिप्स. द टनल इज डब्ड एज स्टैंड शिप टनल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टैंड शिप टनल रहेगा एंड वुड बी बिल्ड अंडर द माउंटेनियस स्टैंड हर्विट पेनिनसुला इन द नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे. राइट, इसमें जो एस्टिमेशन कॉस्ट लगेगी लगेगी 2.8 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की, जो कि आपका 330 मिलियन यूएसडी डॉलर्स के करीब करीब रहेगा यहाँ पर. ठीक है, और इस टनल को बनाने में पूरा टाइम दोस्तों 4 साल बोला गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. नेम द इंडियन अमेरिकन डॉक्टर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूएस सर्जन जनरल. जगदीश प्रसाद, विशाल कुमार, विवेक मूर्ति, आशीष मल्होत्रा. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विवेक मूर्ति. तो दोस्तों इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक मूर्ति अपॉइंटेड एज अ यूएस सर्जन जनरल. The US Senate had voted 57-43 to confirm appointments of the Indian American Dr. Vivek Murthy as a Surgeon General under US President Biden's administration. जैसे कि आप इनकी फोटो भी यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं. The 43-year-old Dr. Murthy would occupy the position of America's Surgeon General for the second time. ठीक है, तो इन्हें ये जो पदवी मिली है दोस्तों ये second time मिली है, और इससे पहले इन्हें मिली थी 2011 में, बट वॉज फायर्ड बाय द फॉर्मर प्रेजिडेंट ट्रम्प. इनको ओबामा जी ने भी ये उपाधि दी थी, लेकिन ट्रम्प के कार्यकाल में इन्हें क्या कर दिया गया था, फायर कर दिया गया था, और वापस बाइडेन के कार्यकाल में ये यूएस जनरल सर्जन बनाए गए हैं दोस्तों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोलेगा देखेंगे. रिसेंटली विद विच कंट्री श्रीलंका इंक्स एन एग्रीमेंट aimed at promoting trade and investment. इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना. तो श्रीलंका इंक्स 3 ईयर यूएसडी 1.5 बिलियन करेंसी स्वैप डील विद चाइना. श्रीलंका विल एक्सचेंज करेंसी विद चाइना अंडर 10 बिलियन युआन अबाउट यूएसडी 1.5 बिलियन. अग्रीमेंट aimed at promoting trade and investment between two countries. The island nation सेंट्रल बैंक सेट ऑन मंडे. तो यहाँ पर दोस्तों जो श्रीलंका और चाइना के बीच में एक स्वैप डील हुई है, ठीक है, तो ये कितने की हुई, तो यूएसडी 1.5 बिलियन की हुई है. कितने साल के लिए हुई है, तो 3 इयर्स के लिए यहाँ पर हुई है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा श्रीलंका, और किसके साथ हुई है, तो ये हुई है चाइना की. दूसरी बात कितने की, तो 1.5 बिलियन की यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कितने साल के लिए, तो 3 इयर्स के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो कॉल्ड करेंसी स्वैप अलाउ द सेंट्रल बैंक टू इंश्योर इन देयर कंट्रीज हैड बोरो रेडी रश इन द ready cash in any of the currencies involved. China remains Sri Lanka's largest source of imports. In 2020, imports from China amounted to USD 3.6 billion or just 22% of Sri Lanka's import. Right? Very, very important. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. नेम द हिंदी राइटर हु हैज बीन चोजन टू बी कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टीजियस व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2020. इंदिरा डांगी, प्रोफेसर शरद पागारे, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, मृदुला गर्ग. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोफेसर शरद पगारे. तो दोस्तों हिंदी राइटर को बहुत ही जाने माने प्रोफेसर शरद पगारे सेलेक्ट किए गए हैं व्यास सम्मान 2020 के लिए. तो दोस्तों ही विल बी अवार्डेड विद द 31st व्यास सम्मान फॉर हिज नोवेल पतली पुत्र की सामग्री. राइट, द व्यास सम्मान इज वाज स्टार्टेड इन 1991 एंड इट इज गिवन बाय केके बिरला फाउंडेशन एवरी ईयर ऑन द आउटस्टैंडिंग लिटरेसी वर्क ऑफ हिंदी. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी रहेगा. दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहती है आपके 4 लाख रुपए अलॉन्ग विद द साइटेशन एंड प्लाक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे. इस साल किसे मिल रहा है, तो मिल रहा है आपका प्रोफेसर शरद पगारे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. वो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो आजकल दबदबा देखने को मिलता है, वेटेज देखने को मिलता है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है आप लोगों का एग्जाम्स में. इसीलिए आपके करंट अफेयर्स जब भी आप एग्जाम देने जाएं 6-8 मंथ के करंट अफेयर्स आपको अपने टिप्स पर रखने होंगे, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अविजन एसएससी बैंक एग्जाम को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अविजन इंस्टीट्यूट का, और साथ ही साथ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट करें. International Day of Solidarity and Detained and Missing Staff Members observed every year on Dash. 22 March, 23rd March, 25th March, 28th March. Here the correct option will be option number C, that is 25th March. So International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Member 25th March. ठीक है, ये इस दिन मनाया जाता है. Every year the United Nations observe the International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members on 25th March. The day commemorates the anniversary of abduction of Alec Colette in 1985 by armed gunman. Right? Very, very important over here. His body was found in the Bekaa Valley in Lebanon in 2009. Next चलते हैं question number 8 की तरफ. question number 8 हमें क्या बोलेगा देखेंगे. The total net worth of Mumbai-based Lodha Group
was dash as of December 2020. 45,450 crores, 44,270 crores, 47,220 crores, and 49,885 crores. Here the correct option will be option number B, that is 44,270 crores. So Mangal Prabhat Lodha and family named India's richest real estate tycoon in Grohe Hurun Real Estate Rich List 2020. So Mangal Prabhat Lodha and family has emerged as the richest real estate developer in India as per Grohe Hurun India's Real Estate Rich List of 2020. Right? The total net worth यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई है 44,270 crores, 44,270 crores यहाँ पे रहेगा, जो कि increase हुआ है 39% से दोस्तों. It is the fourth consecutive year that Lodha continues to hold the first position. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड इज मार्क ऑन डैश 24th मार्च, 23rd मार्च, 25th मार्च, 26th मार्च. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25th मार्च. तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक Slave Trade 25th March, right? So, yahan par International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and Transatlantic Slave Trade is marked on 25th March every year since 2008 to remember those who are suffered when died with the hands of brutal slavery system. Yahan par aapko dhyan rakhne ki baat jo hai wo hogi aapki 2021 ki theme, very very important, jo ki aap log apne screens par dosto dekh pa rahe hain. Ek baat dhyan rakhiyega, important days jo bhi rahenge uski themes aap log zarur dhyan rakhiyega, themes par aapke questions zarur bante hain exam mein, puri puri chances hai aage bhi. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे ऊपर, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा. हु विंस गोल्ड इन पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021? दीपा मलिक, सिंगराज, देवेंद्र झंझारिया, अतुल भौरा. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंगराज. तो दोस्तों इंडियन पैरा एथलीट सिंगराज वॉन द गोल्ड मेडल इन 2021 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप एट AIN इन द UAE. ही डिफीटेड उज़्बेकिस्तान सीवियर इब्रामिको टू गेट द टॉप ऑनर ऑफ P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 final, right? तो यहाँ पर जो आपको सिंपली बेसिस पे याद रखनी है बात, कि पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 को जो जीतने वाली शख्सियत कौन थी, तो सिंगराज थे, जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, गोल्ड इन्होंने जीता. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो यहाँ से अपडेट हो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए. साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.